ओके द नेक्स्ट करेक्टर ऑफ इंजाइम विच वी विल डिस्कस इज द स्पेसिफिसिटी बच्चे स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि इंजाइम्स कैसे स्पेसिफिक होते हैं और किन किन चीजों के लिए स्पेसिफिक यानी कि मखसूस होते हैं तो स्पेसिफिसिटी वाले पॉइंट में हम देखेंगे कि इंजाइम आर यूली वेरी स्पेसिफिक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं फॉर द टाइप ऑफ द रिएक्शन के कौन से रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड फॉर द नेचर ऑफ सबस्टेट और कौन सा सबस्टेट इनके साथ आके अटैच हो रहा है ठीक है ये हर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ये अपने एक स्पेसिफिक जो रिएक्शन है उसी में पार्टिसिपेट करेंगे और कौन सा सबस्टेट इनके साथ आके अटैच हो रहा है ये उसके लिए भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं तो ये हम यहां से देख लेते हैं इस डायग्राम से बच्चे यहाँ पे आपको एक एंजाइम दिखाया गया है इंजाइम येलो कलर में और जो अपर ग्रीन कलर में है वो आपको सबस्ट्रेट दिखाया गया है ये वाली जो पोजीशन होती है इसको एक्टिव साइट कहते हैं जहां पे आके सब स्ट्रेट अटैच होना होता है इंजाइम के साथ तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि सब इंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करा है यानी जो उसके शेप के साथ मिलता जुलता है जो उसके साथ सिमिलर है कोई और शेप का अगर सबस्ट्रेट इसके पास आ जाएगा तो ये उसको अपने साथ अटैच नहीं करवाएगा तो जब भी आपस में ज्वाइन कर जाते हैं सबस्ट्रेट और इंजाइम तो आपके पास फर्दर क्या आ जाता है इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ठीक है तो इस वजह से हम कहते हैं कि इंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट कि अपने सबस्ट्रेट के हवाले से बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है जैसे कि यहां पे देखें सबस्ट्रेट की ऐसी शेप है तो ये इसी तरह के इंजाइम के साथ अटैच हो सकता है अगर ये वाला सबस्ट्रेट हम इसके साथ ज्वाइन करने की कोशिश करें ऐसे इंजाइम के साथ तो वो कभी नहीं करेगा यही सबस्ट्रेट इस इंजाइम के साथ ज्वाइन कर सकता है तो यहां पे ये वाला सबस्ट्रेट इसके साथ जॉइन करेगा और इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और इसी तरह से कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक इंजाइम के साथ उसकी एक्टिव साइट पे आके बाइंड करता है और एक इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्टिव साइट बच्चे एक्टिव साइट क्या होती है ये नेक्स्ट करेक्टर है एंजाइम्स का एक्टिव साइट इज द ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इंजाइम मालिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक इंजाइम है ये एक्टिव साइट वो वही जगह होती है वो वाली पोजिशन होती है जहां पर आगे सब स्ट्रेट में अटैच होना होता है एंड दिस इज द ओनली पोर्शन विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द केटेलाइसिस यानी कि सबस्ट्रेट इसके साथ आके इस जगह पे बाइंड करेगा तो फिर ही रिएक्शन जो है वो कैटालाइज होगा यानी कि रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा ठीक है तो एक्टिव साइट एक्चुअली स्मॉल पोर्शन होता है एंजाइम का ठीक है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है catalysis में एंड फर्दर दिस कैटालिटिक रीजन इज एज द एक्टिव साइट ऐसे रीजन को हम एक्टिव साइट कहते हैं इट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड आउट रिएक्शन पहले तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा इस सबस्ट्रेट इसके साथ आके अटैच होगा फिर ये उसको बाइंड करवाता है अपने साथ और फिर जो है वो फर्दर रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होता है यानी ठीक है फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगा तो एक्टिव साइड में हमने ये डिस्कस किया enzyme का एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं जिस पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है और रिएक्शन ने प्रोसीड होना होता है और ये जो पोर्शन होता है ये कैटेलाइसिस में इन्वॉल्व होता है द नेक्स्ट करेक्टर ऑफ इंजाइम इज द रेगुलेशन ऑफ इंजाइम एक्टिविटी इसमें बच्चे हम देखेंगे के इंज़ाइम uh, एक्टिविटी को यानी कि एंजाइम जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसको कौन सी चीज़ें रेगुलेट करवा रही हैं ठीक है थीके? अब यहां पे हम डिस्कस uh, करते हैं रेगुलेशन ऑफ इंजाइम एक्टिविटी में बच्चे जी एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी एन्हैंस्ड और डिमिनिश्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू द नीड्स इंजाइम की जो प्रोडक्शन है उसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और उसको हम बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं बाय द सेल अकॉर्डिंग टू द नीड्स तो यहां पे एक हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि बच्चे आ, आ, हम ये बात कर सकते हैं कि इंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट कौन कौन सी चीजें करवा रही हैं यानी कौन से एडिशनल फैक्टर्स हैं जो इसको हेल्प करते हैं ये हम फर्दर डिस्कस करते हैं लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन सी चीजें रेगुलेट करवा रही हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि सेल के अंदर ऐसा कौन सी लोकेशन है जहां पे इंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ठीक है और इंजाइम की प्रोडक्शन को हम कैसे जो है वो ज्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं यानी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं तो ये डिपेंड करता है सेल की नीड पे जितनी सेल को जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग वो इंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाएगा और उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा भी कर सकता है और वो कम भी कर सकता है ओके स्टूडेंट्स इंजाइम्स बेसिकली uh, बच्चे ये प्रोटीन्स होते हैं तो ये आपके सेल के अंदर जो राइबोजोम्स यानी कि जो प्रोटीन फैक्ट्री है ये वहां पर मैनुफैक्चर होते हैं वहां पर बनते हैं ठीक है तो वहां पर इनकी प्रोडक्शन को ज़्यादा या कम किया जा सकता है तो इन्जाइम्स जो हैं वो uh, रेगूलेट किए जाते हैं रेगुलेटेड होते हैं बाय द अदर मॉलिक्यूल्स जो उसको इधर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकता है उसकी एक्टिविटी को तो बच्चे मॉलिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल्स uh, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक्टिविटी uh, को इंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं उनको इनहिबिटर्स कहते हैं ठीक है जो इसको डिमिनिश करेंगे या जो उसको डिक्रीज करेंगे उसको इनहिबिटर्स कहते हैं एंड द मॉलिक्यूल्स दैट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन इंजाइम आर कॉल्ड एक्टिवेटर एक्टिवेटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि इंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं या इनहेंस कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं तो उनको एक्टिवेटर्स कहते हैं तो ये कुछ हमने देखा कि इंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से अदर मालिक्यूल्स रेगुलेट करते हैं तो वो है इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स तो सेल की नीड के अकॉर्डिंग इनको ज्यादा या कम किया जा सकता है और ये कहाँ पे जनरेट होते हैं कहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं ये सेल के अंदर राइबोसोम्स में मैन्युफैक्चर होते हैं ठीक है और अगर आ, इनकी हम बात करें कि मालिक्यूल्स जो कि इन, एंजाइम की एक्टिविटी को ज्यादा करते हैं वो एक्टिवेटर्स हैं और जो उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं या बिल्कुल डिमिनिश या खत्म कर देते हैं वो इनहिबिटर्स हैं ओके लेट स्टार्ट द नेक्स्ट क्रैक्टर ऑफ एंजाइम विच इज द को फैक्टर्स बच्चे ये को फैक्टर्स क्या होते हैं अब हम देखते हैं ये कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स uh, हैं एंजाइम्स के जो एंजाइम्स के साथ मिलके काम करते हैं ठीक है एंजाइम की हेल्प करते हैं उसके काम करवाते हैं कोफैक्टर बच्चे uh, इसको हम पहले ये डिस्कस कर लें कि ये प्राइमरी फंक्शन इनका ये होता है कि ये इंजाइम को असिस्ट करते हैं यानी उसकी हेल्प करते हैं उस इंजाइम uh, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे उसकी हेल्प करवाएंगे को फैक्टर्स ठीक है ये, ये मिलके काम करते हैं दे आर एबल टू असिस्ट इन परफॉर्मिंग द नेसेसरी रिएक्शंस दैट इंजाइम कैन नॉट परफॉर्म ए लोन ऐसे रिएक्शन जो कि इंजाइम uh, अकेला नहीं कर सकता उसको हेल्प की जरूरत होती है तो वो हेल्प कौन करेगा इंजाइम की को फैक्टर्स करेंगे ओके बच्चे को फैक्टर्स क्या होते हैं सम इंजाइम्स रिक्वायर द नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स और आइंस कार्ड द को फैक्टर्स बच्चे कुछ इंजाइम्स होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स छोटे मालिक्यूल्स कुछ नॉन प्रोटीन्स यानी कि जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते हैं या कुछ आइंस चाहिए होते हैं जिनको को फैक्टर्स कहते हैं ठीक है जो उसकी हेल्प करवाते हैं मतलब इंजाइम वो अकेला काम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसकी हेल्प कौन करवाएगा के को फैक्टर और को फैक्टर जो है वो कोई नॉन प्रोटीन मालिक्यूल होगा या कोई भी होगा ठीक है नेक्स्ट वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ बच्चे की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं को फैक्टर्स कैन बी इधर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं तो अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और ऑर्गेनिक को फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बच्चे इनऑर्गेनिक फैक्टर्स जो हैं ये हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं फॉर एग्जाम्पल मेटल आइन्स ठीक है ये मेटल आइंस होती हैं ठीक है अब आपकी बुक पे ये एग्जाम्पल्स मैंशन नहीं है ये आपने नोट कर लेनी है यहाँ पे हमारे पास जो मेटल आइन्स आ जाएंगी आ, ये फेरिक है मेट फेरिक आइन है ये जिंक आइन है और ये कैल्शियम आइन है बच्चे ये सब के सब मेटल आइन्स हैं और ये इनऑर्गेनिक को फैक्टर में आ जाते हैं और को फैक्टर की ही एक टाइप है और ये मेटल आइन्स क्या होती हैं बच्चे इनके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है तो ये दूसरों को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं इस वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सेकेंड टाइप ऑफ को फैक्टर इज द ऑर्गेनिक को फैक्टर ऑर्गेनिक को फैक्टर में बच्चे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगे कुछ वाइटमिन जैसे कि फ्लेविन एंड हीम तो ये इसकी एग्जाम्पल्स है. uh, हैं नेक्स्ट करैक्टर ऑफ इंजाइम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप बच्चे यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है इन दोनों पॉइंट्स uh, uh, में प्रोस्थेटिक ग्रुप और को इंजाइम्स के होते हैं तो यहाँ पे हम इनको डिस्कस करते हैं ये एडिशनल फैक्टर्स हैं जो कि इंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं गेनिक को फैक्टर्स आर टाइटलीउंड टू द इंजाइम दे आर कार्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर ऑर्गेनिक को फैक्टर्स इंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं तो इसकी आपने एग्जाम्पल नोट कर लेनी है आपकी बुक में मैंशन नहीं है फॉर एग्जाम्पल हीम ग्रुप इन द हीमोग्लोबिन बच्चे हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ये एक प्रोटीन है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स में होती है उसके अंदर हीम ग्रुप होता है ठीक है और ये आपस में जो है ये ज्वाइन होते हैं ठीक है ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल है इनका बेसिक फंक्शन आपकी बॉडी में ये है कि ये आपकी बॉडी में मौजूद टिश्यूज को ऑक्सीजन जो है वो कैरी करके ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को ठीक है ये आपकी बॉडी के टिश्यूज को सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज द को इंजाइम को इंजाइम में हम देखेंगे इफ इन ऑर्गेनिक को फैक्टर्स आर लूजली माउंट टू द इंजाइम दे आर कॉल्ड द को इंजाइम अगर ऑर्गेनिक को फैक्टर्स लूजली इंजाइम के साथ जुड़े हुए हैं लूजली बाउंड हैं तो उनको को इंजाइम्स कहते हैं ठीक है और अगर ऑर्गेनिक को फैक्टर्स टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और अगर वो लूजली बाउंड है इंजाइम के साथ उसको हम को इंजाइम्स कहते हैं अब को इनजाइम की आपके पास एग्जाम्पल है वाइटाम्स uh, जैसे कि राइबोफ्लेमिन थायमिन एंड फोलिक एसिड तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं को इनजाइम्स की बच्चे को इन्जाइम्स जो हैं वो uh, ये भी अलोन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते बट कैन बी री यूज इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं सेवरल टाइम्स वेन पेयर्ड विद एन इंजाइम जब भी ये इंजाइम के साथ अटैच होता है तो ये उसके साथ मिलकर काम करवाता है ये भी अकेला काम नहीं कर सकता और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि इंजाइम भी अलोन परफॉर्म नहीं कर सकता तो ये दोनों आपस में मिलकर काम करता है को का मतलब ये है कि ये मिलकर काम करेंगे इसका आ, बचे को इंजाइम का बेसिक फंक्शन यहां पर आपकी बुक पर डिस्कस किया गया है Uh, कि ये इंजाइम को पहली बात तो असिस्ट करता है यानी कि ये उसकी हेल्प करवाता है ये टर्न करता है सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में ठीक है सबस्ट्रेट आपको पता है इंजाइम के साथ आके बाइंड करता है और फर्दर प्रोडक्ट बनाता है इसके अलावा इसका ये फंक्शन है कि uh, ये क्या करता है कि कौन इंजाइम ट्रांसपोर्ट करता है केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन इंजाइम टू अनदर ये एज अ कैरियर भी एक्ट करता है ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा ये केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम वन इंजाइम टू द अनदर अदर इंजाइम लास्ट करेक्टर ऑफ इंजाइम इज द मेटाबोलिक पाथफेज बच्चे मेटाबोलिक पाथवेज क्या होते हैं पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं मेटाबोलिक पाथवेज हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि सेल के अंदर हो रहे हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं ठीक है वो एक दूसरे के, के साथ जुड़े हुए होते हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं ठीक है एक सीरीज की फॉर्म में uh, एक इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे जो आपकी बॉडी में हो रहा है वो तो ग्लाइकोलिसिस है ठीक है और भी बहुत से हो रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल है बहुत से साइकिल्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और फर्दर आपकी बॉडी में एटीपी की प्रोडक्शन होती है यानी एनर्जी बनाई जाती है हमारी बॉडी में तो मेटाबोलिक पाथवे जो होता है इसमें सेवरल इंजाइम वर्क कर रहे होते हैं टुगेदर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट में ठीक है अब इसको और वो आपस में मिलकर एक मेटाबोलिक पाथवे क्रिएट करते हैं इसमें ये होता है मेटाबोलिक पाथवे में के एक इंजाइम जो होता है Uh, वो टेक द वो प्रोडक्ट लेता है एन अदर इंजाइम का एज अ सबस्ट्रेट जैसे कि मैंने आपको यहां पे दिखाया है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है इंजाइम वन है यह इंजाइम टू है यह इंजाइम थ्री है अब इंजाइम वन जो प्रोडक्ट बनाएगा वो इंजाइम टू के पास जाएगी और इंजाइम टू उसको एज अ सबस्ट्रेट लेगा वो अपने इंजाइम के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट बनाएगा इसकी प्रोडक्ट इंजाइम थ्री के पास जाएगी और इंजाइम थ्री उसको एज अ सबस्ट्रेट लेगा प्रोडक्ट इंजाइम टू का है लेकिन जब वो थ्री के पास आया एंजाइम थ्री के पास तो वो एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा और आपको पता है कि सबस्ट्रेट इंजाइम की एक्टिव साइड पर जाके बाइंड करता है और फर्दर प्रोडक्ट बनाता है तो इस तरह से ये एक दूसरे को अपने प्रोडक्ट शेयर करते हैं जो फर्दर जाके एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं और फर्दर जो है वो एक रिएक्शन प्रोसीड होता है तो इसको हम मेटाबोलिक पाथवेज कहते हैं